लखनऊ पंचायत पर उन्होंने ये कहा है कि किसानों के बिल को लेकर अभी प्रधानमंत्री ने मौखिक बात कही है, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए अभी उन्होंने मौखिक कहा है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात का अब विश्वास देश की जनता से उठ गया है। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख देंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई का आलम आप उठा के देखिए कि जो गैस सिलेंडर 400 था वो 1000 के पार हो गया, जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर था आज वो 200 के पार चला गया, जो आपका अरहर की दाल 55 रुपया केजी थी आज वो बढ़कर के 125 हो गई, पेट्रोल जो 60 रुपया था वो 100 पार कर गया। महंगाई का आलम ये है। इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात किया था, आज प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नौजवान बेरोजगार होकर के घूम रहा है। 15 लाख की बात को उन्होंने जुमला उनके गृह मंत्री वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हमने ये जुमला बोला था वोट लेने के लिए। तो जब तक ये कानून लोकसभा के अंदर विधान लोकसभा के अंदर जब तक ये वापस न हो जाए तब तक कैसे मान लिया जाए इनकी बात को। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए